द केरला स्टोरी। मूवी का ट्रेलर आने के बाद ही, मूवी का ट्रेलर जैसे ही आया उसके बाद से ये ट्रेलर धमाल कमाल मचा रहा है। मूवी की टीजर 2022 नवंबर में ही रिलीज हो गई थी और उसका ट्रेलर अभी बीते कुछ दिनों पहले ही आया है, जो ट्रेलर आने के बाद कमाल धमाल मचा रहा है। बहुत से लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है तो बहुत से लोगों के द्वारा इसका सपोर्ट भी किया जा रहा है। विरोध करने वालों का यह दावा है कि इस मूवी में जो कहानी बताई गई है वो पूरी तरह से काल्पनिक है और असत्य है, तो वहीं सपोर्ट करने वालों का दावा है कि ये जो कहानी है वो पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है, सच में रियल में ऐसा हुआ है। लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि मूवी निर्देशक, फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन के द्वारा भी ये दावा है कि इस फिल्म की कहानी एक रियल स्टोरी है, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मूवी का विरोध करने वालों को लेकर किस पॉइंट के आधार पर मूवी का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं सपोर्ट करने वालों को लेकर और फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन के द्वारा किस आधार पर इस मूवी की कहानी की सच्ची घटना बताई जा रही है, करेंगे पूरी मूवी का रिव्यू इस वीडियो के माध्यम से। आप बने रहिए लास्ट तक और आपको ये डाटा जरूर देंगे, हम आपको ये डाटा देने का प्रयास करेंगे कि जिस डाटा के आधार पर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है अपना राय कमेंट में दीजिएगा, जिस डाटा के आधार पर मूवी फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन ये दावा करते हैं कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मूवी का विरोध करने वालों का पक्ष किस पॉइंट पे वो विरोध कर रहे हैं, तो वही मूवी का सपोर्ट करने वालों का पक्ष किस पॉइंट पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। The Kerala story is concerned where we now understanding Muslim groups in Kerala in fact are staging a protest. Kerala where protests have now erupted in Kochi as the movie. नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल दिशाएं। द केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर जब से आया है बहुत लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और इस मूवी को बैन करने का, बायकॉट करने की मांग की जा रही है। यही नहीं, इस मूवी को बैन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर अपील की गई कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए, इस मूवी को रिलीज ना होने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास यदि सबूत है तो आप सबूत लेकर और सही ढंग से आइए, सही ढंग से अपील कीजिए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट में जाइए फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइए और सबूत लेकर आइए कि किस आधार पर इस मूवी को बैन किया जाए। अगर आपको इस मूवी को चैलेंज देना है तो आप सेंसर बोर्ड के पास जाइए, सेंसर बोर्ड इसको अनुमति दे चुका है तो ये मूवी रिलीज होगी। अगर सेंसर बोर्ड आपका चैलेंज स्वीकार करता है तो ये मूवी रिलीज होने से रुक सकती है। अगर आपको इस मूवी को चैलेंज देना है तो सेंसर बोर्ड के पास जाइए, या अगर सुप्रीम कोर्ट में आना है तो सही तरीके से आइए, पहले हाई कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए और सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद आइए। विरोध करने वालों का पॉइंट है, कहना है, उनका कहना है कि इस मूवी में जो कहानी बताई गई है वो एक काल्पनिक मात्र है और ये सारी कहानी झूठी है। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी का विरोध आम लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि बड़े लीडरों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा भी इस मूवी का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मूवी में जो कहानी बताई गई वो पूरी तरह से झूठा पुलिंदा बनाया गया। यही नहीं, इस मूवी पर मुस्लिम लीग के द्वारा और कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा 1 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया है कि कोई भी सिंगल पर्सन इस मूवी में जो कहानी बताई गई उसको सच्चा साबित कर दे, एक सबूत दे दे कि ये मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है तो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं तो बोलता हूँ विरोध करने से अच्छा होगा सबूत को ढूंढने में लग जाइए और 1 करोड़ रुपए इनाम लीजिए। लेकिन बात करें इन इतने विरोध होने के बावजूद भी फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन और निर्माता विपुल अमृतपाल सिंह के द्वारा यह दावा बार बार किया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और यह कहानी जो इसमें बताई गई है वो पूरी तरह से सच्ची है। तो किस डाटा के आधार पर सुदीप्तो सेन, फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन इस कहानी को सच्चा बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं फिल्म की हिस्ट्री के बारे में कि क्या कहानी इस मूवी में दिखाई गई या इस मूवी में क्या बताने का प्रयास किया गया। मूवी का रिव्यू करने से पहले हम फिल्म किरदारों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से किरदार इस फिल्म में अहम रोल अदा किए हैं। फिल्म निर्देशक की बात करें तो फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन है, वहीं मुख्य किरदार अदा शर्मा, योग्यता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इडनानी जैसे कलाकार अहम रोल अदा करते नज़र आए हैं। अब बात करें मूवी के रिव्यू के बारे में तो इस मूवी में 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके, उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें ISIS के संगठन में भेजने के बारे में बताया गया है। ISIS के संगठन के बारे में बात करें तो ये एक जिहादी संगठन है जो सीरिया और इराक में सक्रिय है। मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो किसी का माइंड वॉश करना हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। बता दें कि एक लड़की शालिनी जो हिंदू धर्म की थी और उसके कुछ फ्रेंड जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते वो सब मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी मुस्लिम लड़की के द्वारा पूछा जाता है कि आप किस गॉड को मानती हैं, आप किस भगवान को मानती हैं। जब शालिनी का जवाब आता है कि हम शिव को मानते हैं, तभी मुस्लिम लड़की के द्वारा कहा जाता है
कि आप शिव को मानती हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में एक आम इंसान की तरह फूट फूट कर रोया था, आप उसे गॉड मानती हैं। यहाँ पर बता दें भगवान शिव की उस सीन की मतलब चर्चा की गई है जब राजा दक्ष की पुत्री सती अवन कुंड में जल कर मतलब सती हो जाती हैं, तब शिव अपनी पत्नी के वियोग में फूट फूट कर रोए हैं। उस सीन को लेकर शालिनी के फेद पर चोट की गई है, उसकी माइंड वॉश करने की पूरी तरह से मतलब उसके धर्म से विश्वास हटाने की पूरी तरह से प्रयास की गई है इस सीन को लेकर। मुस्लिम लड़की कहती है कि गॉड एक ही है और वो है अल्लाह। एक जगह तो यह भी दिखाया गया है कि कुछ लड़कियां जो कि हिंदू कम्युनिटी से थी वो मॉल में जाती हैं, वहां पर कुछ लड़कों के द्वारा उन पर मतलब बुरा बर्ताव किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जिसके बाद वो वापस आती हैं तो उन्हीं फ्रेंड जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से थी उन्हीं के साथ वो अपना दर्द बताती, तभी मुस्लिम लड़कियां फिर से एक बार उनका माइंड वॉश करने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि बुर्का पहनी हुई कोई भी लड़की, बुर्का पहनी हुई किसी भी लड़की के साथ ऐसा कोई भी लड़का बर्ताव नहीं कर सकता है, बिकॉज अल्लाह इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, अल्लाह हमेशा हर उस लड़की की रक्षा करता है जो लड़की बुर्का पहने हुई होती है। और फिर धीरे धीरे शालिनी का माइंड वॉश करते हुए शालिनी की फेस पर चोट देते हुए शालिनी का धर्मांतरण कर ही दिया जाता है। शालिनी का धर्मांतरण करके उसका एक मुस्लिम लड़के के साथ निकाह रचा दिया जाता है और उसे ISIS की संगठन में भेज दिया जाता है। मूवी में एक सीन ऐसा भी दिखाया गया है जहाँ पे कुछ मौलवी आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ मौलवी बात कर रहे हैं कि गरीब लड़कियों को पकड़ो और उनका धर्मांतरण करो और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें प्रेग्नेंट करो और उन्हें उसके बाद अगले टारगेट के लिए भेज दो। मूवी की इसी अभद्र भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि मूवी में बहुत अभद्र भाषा और विजुअल सीन्स का यूज किया गया है। अब शालिनी जो कि एक हिंदू लड़की थी वो एक आतंकी बन चुकी है और पुलिस के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस शालिनी से पूछता है कि आप ISIS कब आई, तो शालिनी कहती है कि ISIS में कब आई ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ISIS में क्यों आई और कैसे आई। ये तो रही मूवी की स्टोरी के बारे में जो मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया। अब बात कर लेते हैं कि मूवी निर्देशक सुदीप्तो सेन और जो इसके पक्ष में लोग हैं जो कि कहते हैं ये एक सच्ची घटना है, वो किस डेटा के आधार पर कहते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि मूवी में ही एक सीन ऐसा दिखाया गया है जहाँ पर एक लड़की कहती है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि केरला को अगर ध्यान से नहीं देखा गया तो केरला कुछ समय बाद एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। यह तो रही मूवी के सीन की बात। आपको बता दें कि केरला के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन ने 2010 में एक ट्वीट करते हुए ही लिख दिया था कि केरला को अगर ध्यान से नहीं देखा गया तो केरला अगले 20 सालों तक एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब आपको दिखाती हूँ वो डाटा जो इस मूवी को कहीं ना कहीं सच्ची घटना पर आधारित होने का दावा करती है। केरला के जनगणना के आधार पर 2001 से लेकर 2011 की लास्ट जनगणना, अभी तो नई न्यू जनगणना हुई नहीं है, न्यू जनगणना होगी तो उसके बाद कुछ डाटा कुछ और ही पता चलेगा, लेकिन 2001 से लेकर 2011 तक की बात करें तो 2001 से लेकर 2011 तक मुस्लिम की ग्रोथ रेट 10% रही। वो डाटा कहीं कहीं पर 12% भी ग्रोथ रेट, मुस्लिम ग्रोथ रेट दिखाई जाती है, लेकिन वहीं हिंदुओं की ग्रोथ रेट 2% रही है। 2001 में बात करें तो केरला में मुस्लिम कम्युनिटी की जनसंख्या 78 लाख के आसपास थी जो 2011 तक 88 लाख के आसपास हो गई, लेकिन वहीं हिंदुओं की जनसंख्या 2001 में 1.78 करोड़ थी जो 2011 तक मात्र 1.82 करोड़ हो पाई। इस डाटा को देखने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित ही है। अब आप लोग का क्या विचार है, इस डाटा से आप लोग को क्या पता चलता है, ये डाटा देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं कि ये मूवी में जो कहानी बताई गई ये सच्ची घटना पर आधारित है या कि पूरी तरह काल्पनिक है, आप लोग को क्या लगता है? आप लोग को भी ऐसा लगता है कि सुदीप्तो सेन मतलब इस मूवी का बार बार दावा करते नजर आ रहे कि इस मूवी में जो कहानी बताई गई वो सच्ची घटना पर आधारित है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस डाटा का यूज जरूर किया गया होगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए।